दातरनगर हवेली सली गाम लोको ने घर बैठा गैस मिली रहे ते माते प्रशासन द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत बायोगैस प्रोजेक्ट शुरू करवामां आव्यो छे। दादरनगर हवेली सेलीग्राम पंचायत खाते बायोगेस प्लांट नु उद्घाटन जिला कलेक्टर भानु प्रभात तथा निवासी नायब कलेक्टर चार्मी पारेख नी उपस्थिति में करवामां आव्यो हतो। आ बायोगेस थी लाभार्थियों ने घर बैठा घर रांधण गैस की सुविधा मिली रहेशे। ये हमारा एग्री विजय का बायोगैस प्रोडक्ट है जो कि नरेगा के लागत से अपने सिलीग्राम गांव में बना है। इसका जो डेली कंजप्शन प्रोडक्शन है वो 2.5 क्यूबिक मीटर का है जो कि 60 किलो गोबर से चलता है। इसका पानी के साथ रेशो है 1:1, यानी जितना किलो गोबर उतना ही लीटर पानी इसमें डालना पड़ता है। और ये 7 से 8 लोगों का खाना 2 वक्त का इसमें से आराम से बन जाता है। अभी कलेक्टर मैडम और जो सीईओ साहब थे उन्होंने ये पूरी सिस्टम का अभी देखा है तो उनके सहयोग से ये पूरा सिस्टम ये सिलीग्राम पंचायत में बना है। अब मारू नाम शैलेश भाई देवजी भाई टोकिया रहवानु सिल्ली सनवारपाड़ा जे किलोनी पंचायत में आवे छे। जेमा आजे जे गोबर गैस प्लांट जे करवामां आव्यो ए किलोनी पंचायत तरफ करवामां आव्यो छे नरेगा में। अने जे अमारा पास जे 10-12 गाय छे एनुं जे गोबर वेस्टेज थाय एना करता अमने एमांथी गैस भी मळे प्लस एनाथी खातर भी मळे बीजुं के घरमां सारी रीते यूज करी शकाय एवुं छे। ए किलोनी पंचायतनी जे टीमे सपोर्ट कर्यो जे टीम आवी सेलवासथी अमारे कलेक्टर मैडम सीओ साहेब जे भी प्रशासन तरफ थी जे टीम आई बधी ए लोनो भी वधारे सपोर्ट छे आ कार्य माटे तो एम बधाने ताट लगावे एवी आशा राखे बधा एटलू मेहनत करे। सिलीकुमा पाड़ा में आए और हमने देखा कि कैसे जिला पंचायत की टीम ने नरेगा स्कीम के अंडर एक बायोगैस प्लांट लगवाया और ये देख के अच्छा लगा कि जिन जिन घरों में ऑलरेडी गायें थी पहले वो सारा गोबर अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे, अब बायोगैस प्लांट लगेगा इन लोगों के घर पे तो जो गोबर को इधर उधर फेंकते थे या ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे वो सारा गोबर अब इन बायोगैस प्लांट्स में जा सकेगा। और जैसा कि बताया गया कि 20 दिनों में ये गैस बननी शुरू हो जाएगी और इसके बाद ये रेगुलर बनती रहेगी तो जितनी भी गैस है वो घर का जितना कंजम्पशन है उसका उसके लिए यूज़ हो सकती है। जो बेनिफिशियरी हमारी बात हुई जिनके घर पर गैस जा रही है उन्होंने बताया कि पहले ये सिलेंडर भी यूज़ करते हैं मगर क्योंकि जंगल से लकड़ियाँ वगैरह लेकर आनी पड़ती है तो अब अगर बायोगैस प्लांट आ जाएगा तो सिलेंडर का कंजम्पशन भी थोड़ा कम हो जाएगा और इनके घर का जो गोबर है वो भी यूज़ हो जाएगा। और ये भी इन्होंने बताया कि उसमें से जो स्लरी निकलेगा गैस बनने के बाद उसका भी ये यूज़ अपने खेती में करेंगे, जैसे उनके घर में काफ़ी पेड़ और खेत है तो वहाँ पर वो यूज़ हो जाएगा। तो ये फैमिली तो बहुत खुश है कि इनका गोबर जो पहले वेस्ट हो रहा था अब उससे इतना वैल्यूबल गैस बन जाएगा। एंड बहुत अच्छा लगा देख के कि सिली की टीम ने बेनिफिशियरी अच्छे से चूज़ किया और एक अच्छा सा हम प्लान स्टार्ट कर पा रहे हैं। और आगे ये टीम का वो रहेगा विजन कि सभी जितने भी हमारी पंचायतें हैं जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे जितने अच्छे बेनिफिशरीज हम ढूंढ सकते हैं उनको ढूंढेंगे। तो ये ज़िला पंचायत की टीम अब पूरी डेडिकेशन के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा घरों को जहाँ ऐसी गाय हैं जहाँ गोबर है उनको इसके साथ जोड़ेगी।